Hey guys, welcome you all once again. और आज के इस वीडियो में हम लोग Arduino IDE के इंस्टॉलेशन को देखेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को Arduino IDE को डाउनलोड करना होगा. तो गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं Arduino.cc. ये बेसिकली Arduino की एक ऑफिशियल वेबसाइट है. तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं. इसके बाद आप लोगों को सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है. यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन टूल्स मिलेगा जिसके अंदर Arduino का ऑनलाइन वेब एडिटर आपको मिल जाएगा. आप चाहें तो यहाँ पर भी कोडिंग कर सकते हैं, बट अगर आप लोग ऑफलाइन कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड्स में जाना है. डाउनलोड्स में क्लिक करते ही आप लोगों का ये वेब पेज खुल जाएगा. इसमें आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस है विंडोज के लिए. विंडोज इंस्टॉलर यहाँ पर है, विंडोज जिप फाइल है और विंडोज ऐप है. तो इनमें से कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहाँ पर विंडोज जिप फाइल को डाउनलोड करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ. जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों का एक वेब पेज खुल जाएगा. यहां पर अगर आप लोग Arduino को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहां पर से जस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो फिलहाल मैं यहां पर से इसको डाउनलोड कर लेता हूं. डाउनलोडिंग में यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को यहां पर पॉज कर रहा हूं. तो सॉफ्टवेयर हम लोगों का ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है. इसके बाद हम लोग यहां पर से शो इन फोल्डर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और यहां पर आप लोगों ने एक चीज ध्यान देनी है, ये जो फाइल होगी आप लोग उसको सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल 8x के अंदर सेव करेंगे. तो फिलहाल मैं यहां पर इसको ओके प्रेस करता हूं. तो हम लोगों का यहां पर ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है. एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं. यहां पर हम लोगों की फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है. इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप लोग लोकल डिस्क सी में प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर जाएंगे. इसके अंदर आप लोगों को Arduino 1.8.9 मिल जाएगा. मेरे पास यहां पर Arduino पहले से इंस्टॉल्ड था, इसके लिए आप लोगों को यहां पर Arduino का एक और फोल्डर दिख रहा है, बट आप लोगों के केस में आपको Arduino 1.8.9 ही मिलेगा. नेक्स्ट आप लोगों ने इसको डबल क्लिक करना है और इसके अंदर हम लोगों को Arduino.exe फाइल मिलेगी और इसको हम लोग यहां से ओपन कर लेंगे. और जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे वैसे ही हम लोगों का Arduino IDE ओपन हो जाएगा. तो देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोगों की Arduino IDE है. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. फिलहाल मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में zip फाइल को आप लोग इजीली अनजिप कर सकते हैं. अगर आप लोग अपने सिस्टम में अनजिप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आप लोग Arduino.cc के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाके विंडोज इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं. यहां से आप लोग इस सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो फिलहाल मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं. नेक्स्ट यहां से आप लोगों ने Arduino.exe जो है उसको सेंड टू डेस्कटॉप करना है, जिससे कि आप लोग इसको डेस्कटॉप से डायरेक्टली एक्सेस कर पाए. तो देख सकते हैं आप लोग डेस्कटॉप में हम लोगों का शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है. अब अगर आप लोग चाहें तो यहां से डबल क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं. यहां पर हम लोगों का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और इसी में हम लोग अपने Arduino बोर्ड की कोडिंग करते हैं. तो आप भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए. अगर इंस्टॉलेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Arduino Uno बोर्ड के ओवरव्यू को देखेंगे. तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ. बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.